अस्सलाम वालेकुम, रबे की किचन में आप सबका स्वागत है। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो आज रबे की किचन में हम लोग बनाएंगे बहुत ही सिंपल तरीके से कुरकुरी भिंडी, जो बहुत ही फेमस रेसिपी है और ये दाल चावल के साथ तो बहुत ही अच्छी लगती है एकदम कुरकुरी भिंडी। तो चलते हैं बनाने की तरफ। तो ये है 400 ग्राम भिंडी, इसको मैंने अच्छे से धो के पोंछ के ली हूँ। तो आप लोग भी इसको अच्छे से धो के अच्छे से सूखे कपड़े से पोंछ लेना पहले, ताकि इसमें का पानी पूरा ड्राई हो जाए, ठीक है। तो इसको कैसे काटते मैं आपको बताती हूँ। तो इसको ये बीन्स पूरे निकाल लेंगे हम लोग हल्के हाथ से, भिंडी नहीं तोड़ना है, सिर्फ बीन्स निकालना है हम लोग को, क्योंकि ये बीन्स तलने के टाइम बहुत सारे चटक पटक करके उड़ते हैं, इसलिए बीन्स पूरा हम लोग निकाल लेंगे। थोड़ा इसको तेल लगा लेंगे ताकि हमारा भिंडी छिटके नहीं पूरी। एक में से ऐसा चार करना है, चार करके पूरा वाइट वाला इसका और बीन्स निकाल लेंगे। बस इसी तरह से मैं आपको पूरा काट के वापस से बताती हूँ। तो ये भिंडी मैंने अच्छे से पूरी काट के ली हूँ। सबसे पहले एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, और ये एक चम्मच जीरा पाउडर है ये भी इसी में डाल देंगे, और ये एक चम्मच धनिया पाउडर है ये भी इसी में डाल देंगे। ये है आमचूर पाउडर खटास के लिए, ये भी एक चम्मच है ये भी इसी में डाल देंगे। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालना। ये है हल्दी, चुटकी भर डालेंगे खाली थोड़ा हल्का कलर के लिए, ये भी ऑप्शनल है, अगर डालना है तो आप लोग डाल सकते हैं वरना स्किप भी कर सकते। और ये है बेसन, ये दो चम्मच इसमें डालेंगे। ये है चावल का आटा राइस फ्लोर, तो ये भी एक चम्मच इसमें डालेंगे। ये है कॉर्नफ्लोर, ये भी एक चम्मच डालेंगे। अगर इसमें से कॉर्नफ्लोर या कोई आटा नहीं है तो आप लोग खाली बेसन और चावल के आटे से भी कर सकते, कॉर्नफ्लोर नहीं होगा तो भी चलेगा, स्किप कर सकते। अब ये सब मसालों को हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये भिंडी मैंने अच्छे से पूरी काट के ली हूँ। अगर लंबाई में आपको ये भिंडी बड़ी दिखती है तो आप लोग इसमें से दो ऐसे काट के ऐसे भी करके तल सकते, मैंने लंबी ही रखी हूँ, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता कैसे करना है। तो अभी जो मसाला हम लोग ने मिला के रखे अब इसमें पूरा मिला लेंगे। तो ये हमारे मसाले इसमें अच्छे से कोट हो गए, अब इसको हम लोग तलने की तरफ लेके जाते हैं। तल के मैं दिखाती हूँ आपको। एक दो मिनट ऐसे इसे मसाले में रखेंगे तो पूरी अच्छी कोटिंग हो जाएंगी हमारी, फिर उसके दो मिनट के बाद तलने के लिए लेंगे हम लोग। एक कढ़ाई लेंगे और उसमें तेल ज़्यादा डालेंगे हम लोग, क्योंकि इसमें पूरा फ्राई होके निकलेंगे हमारी भिंडी कुरकुरी, तब जाके कुरकुरी भिंडी में मज़ा आएगा। तेल कम नहीं रखना चाहिए, और ये ऑयल वापस से आप लोग की कोई चीज़ में भी यूज़ कर सकते, ठीक है। तो इसलिए मैंने ज़्यादा ऑयल ली हूँ, और ये मेरा ऑयल गर्म हो चुका है। अब मैं डालती हूँ इसमें भिंडी। तो ये एकदम कुरकुरी भिंडी हमारी मसालेदार। तो ये एक बैच मैंने तल ली हूँ। ये जैसे ही ठंडी हो जाएंगी और इसमें कुरकुरापन और आ जाएगा, ठीक है। तो एकदम अच्छी हमारी कुरकुरी भिंडी, देख रहे कैसी आवाज आ रही इसमें, ऐसी कुरकुरी बनके तैयार हो गई। तो अब मैं आपको सर्व करके बताती हूँ। तो ये हमारी गर्मा गर्म कुरकुरी भिंडी तैयार हो गई है, एक बार आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही अच्छी। देख रहे मेरे मुंह में खुद को पानी आ रहा है, मैं अभी लेके बैठ जाऊंगी खाने के लिए। तो आप लोग इस तरह एक बार बना के दाल चावल के साथ एंजॉय करना, बहुत अच्छी रेसिपी है। तो इसी तरह से और अच्छी अच्छी रेसिपी के साथ इंशाल्लाह फिर मिलूँगी, तब तक के लिए मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करो और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, ठीक है। तो फिर मिलती है दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।